हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एंडिजन बायोलॉजी क्लास। आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। मैं हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नए वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल के अंदर गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं। जैसे अप्रोक्सीमेट 328 वीडियोस अभी भी इस चैनल पे अवेलेबल है। और हमारा एक और चैनल है नीट क्लास बाय एंडिजन, जिसके अंदर क्लास 9 से 12 तक की एक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको फ्री ऑफ स्टडी मटेरियल के साथ वीडियो मिलेंगे। तो इस चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर जो हमारा आज का क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है। तो जनरली यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब क्या कि अगर आप बेसिक से बात करते हैं कि मैंगो, अगर आप मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो अगर हम लोकल एरिया के अंदर जाएंगे तो उसको हम मैंगो बोलेंगे, ओके। या तो अगर गुजरात में है तो उसको आप कैरी बोलेंगे, या तो कोई अलग एरिया में है तो आप आम बोलेंगे। लेकिन यूनिवर्सली उसका कुछ नाम है जो जहां पे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो वही नाम से पहचाना जाता है, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। तो आज यूनिवर्सल रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि यूनिवर्सल रूल्स क्या है। तो यूनिवर्सल रूल्स नोमेनक्लेचर के अंदर नंबर वन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन जब उसको लिखा जाता है तो उसको इटालिक में लिखा जाता है, ओके। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक्स। लिखा किसमें जाता है? उसको इटालिक्स के अंदर, ओके दोस्तों। क्योंकि ये जो नाम थे वो नाम लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन, लैटिन से उसको लिए गए थे। इसके लिए बायोलॉजिकल नेम होते हैं लैटिन, लेकिन उसको लिखा जाता है इटालिक्स के अंदर। ये अपना रूल्स नंबर एक, लैटिन इटालिक। आप दो वर्ड याद कीजिए, आपको पहला सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएगा। रूल्स नंबर दो, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। मतलब कि बायोलॉजिकल नेम के अंदर जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट या तो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, जिसके अंदर किसी भी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम जब आप लिखते हैं तो बेसिक सी बात है उसके अंदर दो नाम होते हैं, वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज अ, सेकंड कौन सा होता है? स्पेसिफिक एपिथेट या तो स्पीशीज, ओके। तो ये हमने आगे पढ़ लिया है। तो वही रूल्स यहां पे होगा कि बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। इज दैट क्लियर? नंबर तीन, रूल्स नंबर तीन, बायोलॉजिकल नेम के अंदर हमें पता है दो नाम होते हैं, एक जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट या तो स्पीशीज। अब जब आप उसको हैंड रिटन में लिखते हैं, मान लो कि आप उसको हाथ से लिख रहे हैं, तो हर एक वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि आपने मैंगो का नाम लिखा मेंजीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका। अगर आप इसको हाथ से, मैं इसको हाथ से लिख रहा हूं, तो बेसिक सी बात है कि मुझे इसके नीचे और इसके नीचे, मतलब कि जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी, एक अंडरलाइन करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ कि द बायोलॉजिकल नेम जब भी हाथ से लिखा जाएगा उसके नीचे क्या होगा? अंडरलाइन। और अगर इसको प्रिंटेड किया जाता है तो प्रिंटेड इन इटालिक्स, प्रिंटेड इन इटालिक्स, इटालिक्स में प्रिंट किया होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? मतलब अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो हैंड रिटन, और अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हैं तो इटालिक में लिखना चाहिए। ये तीन रूल्स थे, रूल्स नंबर वन लैटिन इटालिक, रूल्स नंबर दो बायोलॉजिकल नेम जीनस स्पेसिफिक एपिथेट, रूल्स नंबर थ्री हैंड रिटन अंडरलाइन प्रिंटेड इटालिक, ओके दोस्तों। अब रूल्स नंबर चार की बात करते हैं कि रूल्स नंबर चार के अंदर क्या होगा। तो बेसिक सी बात है कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। मतलब कि जीनस का जो
पहला वर्ड है जीनस, उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर किसके अंदर लिखेंगे कैपिटल, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कभी भी जीनस लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में आप लिख सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये रूल्स नंबर 4, मतलब कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल, मतलब कि एक ही लेटर कैपिटल यहां पे आएगा। और ये जो नाम है वो नाम हमें अगर प्रिंटेड है तो किसके अंदर लिखने हैं, इटैलिक के अंदर लिखने हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे चार रूल्स एनसीईआरटी के हिसाब से, ये चार रूल्स है। और एक चीज हमें एनसीईआरटी में अलग से दी गई है कि अगर ऑथर का नाम लिखना है, ऑथर नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, मतलब कि specific epithet के बाद author का नाम short में लिखा जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि Mangifera indica, ये mango का scientific name है, लेकिन उसके पीछे आपको लिखा भी दे रहा ling, ling मतलब क्या है कि सबसे पहले Mangifera indica के बारे में किसने describe किया, तो डिस्क्राइब किया है लीनियस ने, तो लीनियस ऑथर है तो उसका नाम शॉर्ट में लिखा जाएगा, एलाइडबरन लीनियस। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मीट में भी पूछा जा चुका है। ओके, ये सही आंसर कौन सा है? चार अलग अलग आपको नाम दिए गए होंगे, मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका लेन, मेंजिफेरा इंडिका एक कैपिटल होगा स्मॉल होगा, वो सभी जगह से आपको आइडेंटिफाइड करने हैं। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका के अंदर मान लो कि ये एम आपको स्मॉल करके दे देंगे तो वो ऑप्शन आपको पता है गलत हो जाएगा। आपको पॉसिबल है कि ये आई जो दिख रहा है वो कैपिटल देंगे तो वो ऑप्शन भी गलत होगा। तो पूरा जो नाम होगा मेंजिफेरा इंडिका लीन वो सही आंसर आपका होगा। तो सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स की बात फटाफट एक बार कर लेते हैं कि अगर जनरली बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं और लैटिन में होते हैं और उसको हम लिखते हैं इटैलिक के अंदर। बायोलॉजिकल नेम के अंदर दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं और अगर प्रिंटेड करते हैं तो वो इटालिक्स में होता है। और रूल्स नंबर 4, नाम का जीनस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर है वो स्मॉल लिखा जाएगा, मतलब बाकी के भी स्मॉल होंगे या बाकी के भी स्मॉल होंगे। ओके, और ऑथर का नाम जब हम लिखेंगे तो उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा और शॉर्ट में आएगा, और इससे पता चलेगा कि इसके बारे में डिस्क्राइब किसने किया था, लीनियस, लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इससे हमें ये बात पता चलेगी, ये हमारे रूल्स है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहचाना जाएगा। अगर प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आईसीजीएन करेगा, और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन करनी है, नाम नोमेनक्लेचर करना है तो आईसीजीएन उसके साथ कनेक्टेड होगा। दोस्तों, ये इस तरह की वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए एमडीसी बायोलॉजी चैनल और नीट क्लास बाय एमडीसी। थैंक यू वेरी मच।